अच्छा, यूट्राइन आर्टरी जो होती है, एक तो यूट्रस को मेन ब्लड सप्लाई यूट्राइन आर्टरी दे रही है, ये क्या करती है, फर्स्ट रन डाउन ऑन द लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस के ऊपर इन द सेम डायरेक्शन एज सी यूरेटर, इट देन टर्न इनवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइंग ऑन द बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट तक साथ साथ ही आती है, ऑन रीचिंग द वॉल ऑफ द यूट्रस आर्टरी टर्न अपवर्ड, अपर ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है, और एनास्टोमोसिस कर लेगी ओवेरियन आर्टरी के साथ, ये डिफरेंस है, ऊपर से एक साथ आ रहे हैं लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस के साथ साथ आ रहे हैं, जब ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर आके फिर ऊपर की तरफ जाएगी और ओवेरियन आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस कर लेगी, ठीक है, यही है। उसके बाद ब्रांचेस पूछी हुई है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल लाइलेक आर्टरी की, वो होती है यूट्राइन आर्टरी होती है सबसे पहले, तो ब्रांच जो देती है ये जो आइलेक आर्टरी देती है वो ब्रांच देती है यूट्राइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, वेजाइकल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, पुडेंडल आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, ये सारी की सारी ब्रांचेज हो गई हैं। थर्टी टू ईयर ओल्ड P2+1 केम विद 20 वीक मास एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस इज फाइब्रॉइड यूट्रस, साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं और मैनेजमेंट, साइन एंड सिम्टम्स बता दें, मैनेजमेंट में बता चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, उसके बाद प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, ब्लैडर बाउल डिसफंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है। हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, दोनों करवा सकते हैं, और इसकी मैनेजमेंट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि 20 वीक वाली, तो इसके अंदर भी हम GnRH देंगे और सर्जरी प्लान करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं है इसकी, ठीक है, नेक्स्ट पे चले ना, फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं है सारा। थर्ड क्वेश्चन है, 25 ईयर ओल्ड G2P1 केम एट 7 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ब्लीडिंग, एवेल्युएट कैसे करोगी और अल्ट्रासाउंड का क्या रोल है? एवेल्युएट किस किस के लिए करना है पेशेंट को, हम एक्टॉपिक के लिए, रप्चर्ड एक्टॉपिक के लिए देखेंगे और एबॉर्शन के लिए भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैसे मेन जो है ना, हमने इसको एक्टॉपिक के लिए देखना है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवाओगे, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन करवा लोगे, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताएगा, क्योंकि एक्टॉपिक जब होगी ना तो यूट्राइन कैविटी एम्प्टी होगी, एडिनेक्सल मैस होगा और फ्री फ्लूइड होगा इन पेरिटोनियम के अंदर, और HCG लेवल भी करा सकते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया।
अजान हो रही है, फिर 5 मिनट तक कर लेते हैं आगे। पता है कि नहीं पता है रेगुलर क्या होता है, उसे भी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग लेंथ कितनी है हर पीरियड की, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग कोई है कि नहीं है, और कितने डेज का साइकिल है, ये सारी चीज़ें हमने पूछनी है। ठीक है, हिस्ट्री में ये पॉइंट। उसके बाद हिरेटोइज्म का पूछेंगे, एक्नी का पूछेंगे, वेट का पूछेंगे कि पहले कितना था अब कितना है, और उसे पूछेंगे। काफ़ी सारे पेशेंट को खुद ही पता होता है कि हमें PCOS डायग्नोज हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और मेन चीज़ जो पूछनी है ना, उसे पूछना है कि स्मेयर टेस्ट आपका हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ये चीज़ पूछनी है। उसके बाद हम करवाएंगे, ये हो गया हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री में आप ये 2-3 लाइनें लिखोगे कि एक PCOS वाली हिस्ट्री लेनी है, उसके सिम्टम्स आपने पूछने हैं, और इरेगुलर का पेशेंट से क्या मतलब है, इरेगुलर क्या, किस चीज़ को पेशेंट इरेगुलर साइकिल्स कह रहा है, ये चीज़ पूछ लेनी है आपने। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और क्या करवाओगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाओगे, अगर PCOS है आपको पता चल जाएगा, उसके पास सिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद आप क्या करवाते हो, LH लेवल जो होता है ना, वो इंक्रीज़ हुआ हुआ होगा FSH लेवल से, एज़ कम्पेयर टू FSH, ये होता है उसके अंदर PCOS में होता है, और एंटी मलेरियन हार्मोन भी ज़्यादा हुआ हुआ होगा। रिजर्व जो होते हैं ना, असल में इंक्रीज हो जाते हैं इनमें, क्योंकि ओलिगोमेनोरिया होता है इनमें, तो ओवेरियन रिजर्व इंक्रीज हो जाते हैं, तो मलेरियन हार्मोन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ट्रीटमेंट आप क्या क्या करोगे, क्लोमिफीन दे सकते हैं, इसके अंदर ओवुलेशन इंडक्शन हमने करवानी है ना, क्योंकि ओलिगोमेनोरिया हो रहा है, इसको सब फर्टिलिटी के लिए आई है मेनली, ये सब फर्टिलिटी है, तो क्लोमिफीन देंगे, वेट रिड्यूस करने को कहेंगे। क्लोमिफीन के साथ हम मेटफॉर्मिन ऐड कर सकते हैं अगर क्लोमिफीन से नहीं हो रहा सही, तो उसके अलावा एरोमेटेज इनहिबिटर्स ऐड कर सकते हैं। एंड पे क्या कर सकते हैं, ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं अगर इसको क्लोमिफीन और ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग से नहीं हुई तो। ठीक है, ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग वुमेन केम विद हिस्ट्री ऑफ इचिंग एंड वाइड कर्डी डिस्चार्ज, वजाइनल कैंडिडियोसिस वाज डायग्नोज, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बतानी है और मैनेज कैसे करोगे। डायग्नोसिस उसने खुद ही बता दी है। ठीक है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं लोग, वो किसी भी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, कोई डिजीज चल रही है, कुछ भी है, वो हो गए। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, और प्रेगनेंसी में भी कॉमन है, ये हो जाता है क्योंकि उसमें भी इम्यूनिटी कम हुई भी होती है। 3 चीज़ें ये हो गई, और डायग्नोसिस आप कैसे, मैनेजमेंट में 7-1 पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का लिख दिया करो, अच्छी बात है। माइक्रोस्कोपी और कल्चर करवाएंगे, बेशक वो डायग्नोसिस बता चुके हैं हमें। और ट्रीटमेंट में आप क्या लिखोगे, टॉपिकल इंट्राविजाइनल पेस्टीज और ओरल इमिडाजोल, ये दे सकते हो आप। उसके अलावा टॉपिकल एंटी फंगल दे सकते हो और इमोलियंट्स दे सकते हो जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी, और जो उसका पार्टनर है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इन्फेक्शन नहीं है। ट्रीटमेंट है टॉपिकल इंट्रा वेजाइनल पेस्टीज और ओरल इमिडाजोल।
अमीटाजोल दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं और पेस्टीज की फॉर्म में भी दे सकते हैं। उसके अलावा वैसे ही एंटी फंगल और इमोलियट्स वगैरह जो है सिम्टम्स को रिलीफ देंगी उसके। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अमीटाजोल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ईयर ओल्ड मैरिड फॉर 3 ईयर प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इनएबिलिटी टू कंसीव। ऑन एग्जामिनेशन देयर इज 5 x 4 cm राइट साइडेड चॉकलेट सिस्ट, लाइकली डायग्नोसिस। इसकी डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोसिस जो लोग कह रहे हैं ना, जब ओवरीज के अंदर आ जाते हैं ना, तो उसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, इसलिए आपने एंडोमेट्रियोमा लिखना है डायग्नोसिस में। मैनेजमेंट में क्या क्या लिखोगे? आपने लिखना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी, बायोमार्कर, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की हो गई हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट से ना फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होगी इसकी, और ये तो इनफर्टिलिटी की वजह से आई है, तो सर्जिकल इसका करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। इनएबिलिटी टू कंसीव है तो मेडिकल का कोई रोल नहीं रहेगा, इसलिए हम सर्जिकल एब्लेशन कर सकते हैं और एक्सियन कर सकते हैं सिस्ट की। उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रेनेज ऑफ सिस्ट करते हैं और लाइनिंग ऑफ स्किन को भी एक्साइज करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम उसको लाइनिंग ऑफ स्किन को एक्साइज कर देना, तो भी फर्टिलिटी जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने होती है, इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है। इसलिए हमने ड्रेनेज करनी होती है। ये सारा आप लिखोगे, ड्रेनेज करेंगे, और अगर उसको फर्टिलिटी के लिए या इनफर्टिलिटी की वजह से आई है, तो सिर्फ ड्रेनेज करके उसको भेज देंगे। रिकरेंस का चांस है, लेकिन हम एक्सियन नहीं करते सिस्ट की लाइनिंग की। समझ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6? सिक्स की इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उसके अलावा एमआरआई करवा सकते हैं, लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 ईयर ओल्ड
P1 plus 0 presented in OPD with mass in abdomen and history of weight loss. On examination, fixed pelvic mass of 28 weeks, size is seen. What is your likely diagnosis? ठीक है, ये ओवेरियन कार्सिनोमा है, जो लोग कह रहे हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल के लिए एक तो उसको ब्लीडिंग बताना चाहिए था कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, और उसके अलावा ये जो फिक्स्ड मास होता है ना पेल्विक मास, वो होता है ओवेरियन कार्सिनोमा में। वैसे ये क्वेश्चन इतना तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसको ओवेरियन कार्सिनोमा लिखेंगे। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हमने करवानी है वो है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, वो हमें साइज, कंसिस्टेंसी और एसआईटीज का बता देंगी। उसके बाद हम करवाएंगे ट्यूमर मार्कर, सीटी, एमआरआई, एलएफटीज और बाकी सब कुछ आप लोग वैसे ही लिख सकते हो। ओवेरियन कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट बताया था, फिर से बताने की ज़रूरत है। ठीक है, बस अगर कोई कहता है तो मैं फिर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ओबीज 55 ईयर ओल्ड, P5 प्लस 0, शी इज नॉन एस्थेमेटिक, केम विद कंप्लेंट ऑफ समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना। She has no urinary complaint. Likely diagnosis क्या है, risk factor क्या है और management? ठीक है, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स है, रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर आपने क्या देखना होता है, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, मेंशन किए हुए हैं, वो पहले ऊपर लिखो। एक तो इसकी मल्टीपैरिटी, कफ, उसके अलावा बाकी एजिंग, वेट और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन या कफ, ये सब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। और मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट सबसे पहले तो कंजर्वेटिव करनी है, वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करने का कहेंगे, कफ और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर हो रहा है तो उनका ट्रीट करना है आपने। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस का कहते हैं, रिंग और शेल्फ पेस्ट्रीज यूज कर सकते हैं, इसमें भी पेस्ट्रीज यूज करते हैं। डायग्नोसिस है यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स। मैनेजमेंट क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो गई, उसके बाद अगर एंटीरियर वॉल का है तो एंटीरियर कॉल्पोरेफी करते हैं, पोस्टीरियर वॉल का है तो पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी करते हैं, अगर यूट्रस प्रोलैप्स हो रही है तो वजाइनल हिस्टरेक्टमी कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं।
हमने देखना होता है कि प्रोलैप्स किस जगह से है। अगर एंटीरियर यूट्राइन वॉल है ना, तो करते हैं एंटीरियर कॉर्पोरेफी, और अगर पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर कॉर्पोरेफी करते हैं। कौन सी वॉल्व वॉल इन्वॉल्व है ये देखना होता है। उसके अलावा हमने देखना होता है कि अगर यूट्रस इन्वॉल्व है तो फिर हिस्टरेक्टमी कर देते हैं। बाकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तो है, सर्जिकल मैंने रिपीट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 935 ईयर ओल्ड पी 4+0 केम टू ओपीडी विद हर हस्बैंड, शी इज डायबिटिक, शी वांट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, जस्टिफाई विच मेथड सूट हर एंड व्हाई। उसका फेलियर रेट भी बताना है और स्टेलाइजेशन और ये बताना है। सर जो बेस्ट होता है ना डायबिटिक्स को, इनको ना इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस देते हैं हम, कॉपर डिवाइस दे सकते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। ठीक है, वो नहीं देनी होती, वो हार्मोनल होती हैं तो उस वजह से नहीं देनी होती। क्यों क्यों इसके अंदर ये होता है कि जब भी हम डिवाइस को रिमूव करेंगे तो फर्टिलिटी भी वापस आ जाएगी। इसका इंपॉर्टेंस ये है, इसका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फेलियर रेट कितना है, 0.1 to 0.4% होता है। उसके बाद स्टेरलाइजेशन अगर करवा रहे हैं तो इमीडिएट और लेट कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। फीमेल के अंदर ट्यूबल लाइगेशन, उसकी इमीडिएट हो सकती है, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डैमेज टू द ऑर्गन सराउंडिंग ऑर्गन्स, ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है। लेट के अंदर क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। मेल के अंदर वैसेक्टमी अगर करा रहे हैं हम तो जो होंगी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस, उसके अंदर वोंड इन्फेक्शन, हेमेटोसील, ब्लीडिंग, ये सब कुछ आ जाएगा। लेट के अंदर स्पर्म ग्रेनुलेशन आ सकती है, स्पॉन्टेनियस रीकैनलाइजेशन आ सकती है, और पेन क्रॉनिक पेन में जा सकता है। ये है लिवन और जेस्टिल इसलिए यूज़ नहीं करते, वो भी तो प्रोजेस्टेरोन है ना, हार्मोनल चीज़ें नहीं लेनी होती डायबिटिक्स को। हमने हम ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कॉपर डिवाइस यूज़ कर लिए हम। मेल वाली कॉम्प्लिकेशन मैं रिपीट कर देती हूँ, उसके अंदर है कि इमिडिएट क्या हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, हीमाटोमा और सीरोमा बन सकता है, ये चीज़ें हैं। लेट के अंदर है स्पर्म ग्रेनुलेशन हो जाती है, फेलियर हो जाता है और रीकैनलाइजेशन हो जाती है वैसेक्टमी के बाद, तो मतलब वो ख़त्म हो गया। और लोकल पेन हो सकती है, क्रॉनिक पेन में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 ईयर ओल्ड पेशेंट केम विद द मिसप्लेस्ड थ्रेड ऑफ IUCD, यू प्लान हिस्टेरोस्कोपी, व्हाट आर द अदर इंडिकेशन ऑफ हिस्टेरोस्कोपी और कॉम्प्लिकेशन क्या है।
हाँ सारी की सारी जितनी ब्लीडिंग होती है ना वो सारी लिख सकते हैं, पोस्ट मेनोप्लाजल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये वाली चीज़ें लिख सकते हैं हम। परसिस्टेंट डिस्चार्ज होगा तो हमने करवानी होती है स्टेरोस्कोपी, और एशरमैन सिंड्रोम में भी करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? परफोरेशन, इन्फेक्शन और सर्वाइकल डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन होती हैं। अब उसकी फेलियर रेट जो है ना, अगर हम देखें कॉपर डिवाइस का, तो वो है 0.1 to 0.4%। अगर विजेक्टमी का देखें तो 0.02% है। ट्यूबल लाइगेशन का 0.13% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला पेपर भी हो गया। अब इसमें अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ ले, 2 मिनट हैं। फेलियर रेट होता है मेल वैसेक्टमी का 0.02%, इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस का 0.1 to 0.4%, और ट्यूबल लाइगेशन शायद 0.13 है। इसको आप लोग एक दफ़ा बुक से भी कंफर्म करना। नेक्स्ट पेपर करते हैं। डिफाइन पेल्विक डायफ्राम और मसल्स पेल्विक डायफ्राम की कौन सी है? पेल्विक डायफ्राम के लिए क्या होता है? दो लिवेटरी इनाई मसल्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्यूबोकॉक्सीजियस और एक होता है इलियोकॉक्सीजियस। प्यूबोकॉक्सीजियस कहाँ से अराइज होता है? प्यूबिक बोन्स से और इंटीरियर पार्ट ऑफ
टेंडिनस आर्च ऑफ पेल्विक फेशिया, और आईलियो कॉक्सीजियस कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेंडिनस आर्च से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, 40-year-old P3 प्रीवियस नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी प्रेजेंटेड इन आउट पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ऑन एग्जामिनेशन शी इज पेल, थायराइड नॉट एन लार्ज, एडीमा इज नेगेटिव, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन शी हैज नॉर्मल साइज यूट्रस विद बोथ फॉर्मिसेस क्लियर, डिफाइंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 80 ml से ज़्यादा पर पीरियड, इटियोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं, और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बता चुकी हूँ, इटियोलॉजीज बता देती हूँ। इटियोलॉजीज में ना एक निमोनिक भी है, वो भी आप लोग कर सकते हो, वरना क्या है, पॉलिप है, एडिनोमायोसिस है, PALM पाम, एल से लियोमायोमा है, एम से मेलिग्नेंसी है, उसके अलावा क्या हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है, और एंडोमेट्रियोमा हो सकता है, ये सारे कॉजेज हैं। ट्रीटमेंट मैं बता चुकी हूँ, पहले फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मेडिकल में वही सारी की सारी, मेफनिक एसिड, एनसेड्स, लिवनॉर्जेस्ट्रिल इंट्राइन सिस्टम, GnRH एगोनिस्ट, और सर्जिकल में जो फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट था वही वाला इसके अंदर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, 24-year-old वुमन प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द लाइट वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 5 weeks ऑफ एमेनोरिया, recent pregnancy test was positive, she complained of sharp pain in left iliac fossa, differential diagnosis batane hai iske, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशियल्स में ना आप लोगों ने एक टॉपिक को रखना है, उसके बाद ओवेरियन टॉर्शन रख सकते हो, थ्रेटन्ड मिसकैरेज रख सकते हो, ओवेरियन सिस्ट रप्चर लिख सकते हो, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी लिख सकते हैं इसके अंदर एक चीज़। ये तो सारी की सारी गायनोकोलॉजिकल आ गई, नॉन गायनोकोलॉजिकल के अंदर अपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन, नहीं लेफ्ट आइलेट हो सके अंदर पेन है ना, इसको डाइवर्टिकुलाइटिस लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, हिस्ट्री क्या होगी, एमेनोरिया की होगी, विजाइनल ब्लीडिंग की है, पेल्विक पेन का उससे हमने पूछ लेना है। उसके बाद हमने वही टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइन ऑफ हाइपोटेंशन देखने हैं, रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडेंस, ये सब कुछ देखना है, SCG देखना, बीटा SCG लेवल देखेंगे ताकि एक्टोपिक की तरफ हम जा सकें, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अपेंडिसाइटिस लेफ्ट आइलिक फोसा पेन में नहीं होगा, राइट आइलिक फोसा पेन अगर लिखा हुआ ना तो प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस कॉमन है, अगर राइट आइलिक फोसा यहाँ पे पेन होता ना तो डिफरेंशियल में हम अपेंडिसाइटिस रख सकते थे, प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कपल अटेंडिंग द इनफर्टिलिटी क्लिनिक फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग बीन ट्राइंग टू कंसीव ए प्रेगनेंसी फॉर द लास्ट 12 months ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इफ द वुमेन हैज इररेगुलर साइकिल्स टेस्ट यू विल एडवाइस एंड व्हाई, बता चुकी हूँ सारा का सारा, फिर से रिपीट तो ना करूँ ना इसको।
थ्री के अंदर हिस्ट्री ना वो बता चुके हैं हमें खुद ही, वही वाली चीज़ हमने हिस्ट्री की यहाँ पे लिखनी है। हिस्ट्री के अंदर हमने एमेनोरिया होगा, उसको वजाइनल ब्लीडिंग है, पेल्विक पेन का पूछ लेंगे, ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 24 year old साउथ अफ्रीकन वर्कर ऑफ एनजीओ प्रेजेंटेड इन द गायनी ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ अल्टर्ड वजाइनल डिस्चार्ज एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्लैमिडिया ट्रैकोमास माइटस इज बीइंग सस्पेक्टेड कॉजेटिव एजेंट, ट्रीट कैसे करोगे और कॉम्प्लिकेशन क्या है? ठीक है, हम एजिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं या डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की एक ही डोज देनी होती है हमने। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या है, ये पीआईडी करवा सकता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, पीआईडी सेल्फ एंजाइटिस करवा सकता है, ये दो चीज़ें। और अगर प्रेगनेंसी में क्लैमिडिया हो तो क्या करवाता है वो, अबॉर्शन करवा सकता है, प्री टर्म लेबल करवा सकता है, लो बर्थ वेट करवाता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। 34 year old nulliparous woman presented in the clinic with complaint of menorrhagia, dysmenorrhea, urinary frequency and right loin pain. On examination, she has pale sclera and pelvic mass which same size as a 25-week pregnancy. Her last menstrual period was week ago and extremely heavy. Possible diagnosis kya hai? An investigation. Ye question bhi discuss to ho chuka. ठीक है, ये फाइब्रॉइड है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे और ट्रीटमेंट क्या कर। इन्वेस्टिगेशन में वही सीबीसी करवानी है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं और पेल्विक भी। एब्डोमिनल में क्या देखेंगे, साथ इसको ना हमने क्योंकि यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो किडनी की डिजीज़ को रूल आउट करना है, तो इसको आप मेंशन करोगे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हमने किडनी की डिजीज़ को रूल आउट करेंगे और पेल्विक अल्ट्रासाउंड के अंदर उसका साइज, लोकेशन और नंबर देखेंगे कि फाइब्रॉइड्स कितने हैं। फाइब्रॉइड्स डायग्नोसिस है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने सीबीसी करवानी है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है टू रूल आउट रीनल डिजीजेस और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है टू सी द साइज, नंबर एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड। मैंने पूछा मैं इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाओगे और क्यों करवाओगे, ठीक हो गया, क्लियर है ये। नेक्स्ट करें, सिक्सटी ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, और ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड शोज एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ 3.8 mm, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्लान। नहीं, बायोप्सी इसमें आप लोगों ने नहीं लिखना, इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। जब भी एक
पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने करवानी है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और थिकनेस देखनी है। थिकनेस हो अगर 4 mm से ज़्यादा, वैसे 4 mm से ज़्यादा ही होती है, फिर आप लोग ऐसे लिखोगे, सबसे पहले हम करवाएंगे अल्ट्रासाउंड, 4 से ज़्यादा है तो हम करवाएंगे हिस्टेरोस्कोपी विथ बायोप्सी। ठीक है, अब इसकी आई है 3.8, ये अपर लिमिट है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोगों ने मेंशन करना है कि 3.8 से है वो अपर लिमिट है, तो स्कैन को हमने रिपीट कराना है कुछ टाइम के बाद, और पीवी एग्जामिनेशन करना है ताकि हम लोकल कॉज को रूल आउट कर सकें। पोस्टमेनोपॉज़ल ब्लीडिंग कोई पेल्विक मैस या किसी उस वजह से भी हो सकती है, तो पीवी एग्जामिनेशन इसके अंदर लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग लिखोगे कि एंड पे जो मैनेजमेंट है प्रॉपर सर्जरी ही है, वो सर्जिकल मैनेजमेंट में हिस्टरेक्टमी और बाइलेटरल सर्पिंजियोफेरेक्टमी, लेकिन इसमें अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि 3.8 mm है, तो इसमें आपने अल्ट्रासाउंड को फिर से करवाना है और पीवी एग्जामिनेशन करनी है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप लोग दे सकते हो वही जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50-year-old female having 5 normal deliveries presented with the complaint of leakage of urine whenever she cough, likely diagnosis. ये सारा का सारा हो गया है वैसे डिस्कस। ठीक है, स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस है, इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से पहले डिस्कस नहीं हुई, ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि आप यूरिन एग्जामिनेशन करवाते हो, यूरिनरी डायरी टेस्ट होता है, पैड टेस्ट होता है, यूरोडायनामिक स्टडीज कराते हो, अल्ट्रासाउंड MRI करवाते हैं, और एक ना स्ट्रेस टेस्ट के स्ट्रेस एंड कॉन्टिनेंस में एक होता है क्यू टिप टेस्ट, ये करवाते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ, लिखना है तो किसी ने लिख लिया क्यू टिप टेस्ट। इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने यूरोडायनेमिक स्टडीज लिखनी है ना, डायग्नोसिस तो इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ही है। क्यू टिप टेस्ट है ये, जिनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा टेस्ट है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले, वही है। क्वेश्चन नंबर 9, मिसेस JB इज़ ए 28-year-old लेडी मैरिड फॉर 3 years एंड मदर ऑफ 2। हर लास्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न 5 months बैक बाई एमरजेंसी लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। ही हैज़ कम टू OPD विद द हिस्ट्री ऑफ बर्स्ट कॉन्डम 1 day बैक। शी डज नॉट वॉन्ट टू कंसीव विद 2 young kids. एडवाइस यू विल गिव टू द पेशेंट और कॉन्ट्रासेप्शन, कौन से ऑप्शन है इसके लिए।
अच्छा, उसी वक्त जो उसको एडवाइस देनी है उसके अंदर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का उसको बता सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर क्या क्या आती है? कॉपर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आती हैं, लिवर नॉर्जेस्ट्रिल दे सकते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद उसको जो हमने कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शंस दे सकते हैं उसके अंदर भी डिवाइसेस ही देंगे, कॉपर और लिवर नॉर्जेस्ट्रिल। कॉपर अगर वो चाहती हैं तो 3 to 10 years के लिए चाहती है तो कॉपर, और अगर 5 years तक के लिए उसको चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन तो लिवर नॉर्जेस्ट्रिल इंट्रायूटराइन सिस्टम, ये देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसेंट बीइंग ऑब्टेन फॉर 24 years old फॉर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, द पेशेंट विशेज टू नो बट कॉम्प्लिकेशन कैन अकर ड्यूरिंग द प्रोसीजर और विच गैस इज यूज। अच्छा, गैस कौन सी यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? दो तरह से, ओपन मेथड या क्लोज मेथड से यूज़ कर सकते हैं। क्लोज से होती है वो वेरिसेस नीडल होती है, और ओपन के अंदर हेसेंस कैनोला यूज़ करते हैं हम। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस हमने उसको बताना है कि कॉम्प्लिकेशन रेयर हैं, बहुत कम होती हैं लेकिन हो सकती हैं। कौन सी हो सकती हैं? इंट्रा एब्डोमिनल कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बावल ब्लैडर की इंजरी हो सकती है, ब्लड वेजल्स की इंजरी हो सकती है। ठीक है, 9 रिपीट कर देती हूँ, अभी मैसेजेस आ रहे हैं। आप उसी वक्त उसको एडवाइस करोगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कौन से उसको दे सकते हो? कॉपर इंट्रायूटराइन डिवाइसेस दे सकते हो, और उसके अलावा लिवर नॉर्जेस्ट्रियल इंट्रायूट्राइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पूछे कि 10 का ए पार्ट? इस पेपर का ही 1 जो था, देखती हूँ कौन सा था। पेल्विक डायाफ्राम, लिवेटर इनाई मसल होते हैं, ब्रॉड, और इस तरह से करके एक डेफिनेशन प्रॉपर बुक में लिखी गई है। टू लिवेटर इनाई मसल विच आर ब्रॉड फ्लैट मसल, फाइबर ऑफ विच मिक्स एंड पास डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। प्रॉपर बुक से ये याद करनी पड़ेगी, पेज नंबर ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना एनाटॉमी वाला, वहाँ पर ही है। पेज नंबर ऐसे याद नहीं है, बाद में ग्रुप पर सेंड कर दूँगी, ठीक है। नहीं, वेरिसिस नीडल क्लोज और हेसेंस कैनोला जो है वो ओपन। सिक्सटीन ईयर ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद हर मदर विद कंप्लेंट ऑफ फेलियर टू एस्टेब्लिश मेंस्ट्रुएशन। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ नॉर्मल हाइट एंड वेट, नॉर्मल इंटेलेक्ट, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड फाइन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। ऑन पेरिनियल एग्जामिनेशन देर आर शॉर्ट 2 cm ब्लाइंड एंडिंग वजाइना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट।
अच्छा, इसके लिए उसने डायग्नोसिस पूछी हुई है, प्राइमरी हीमेनोरिया नहीं लिखना चाहिए उसको। डायग्नोसिस आपने बता दिया, मलेरियन एजेनेसिस है, इम्परफोरेटेड हाइमेन हो सकती है, ये वजाइनल एट्रेसिया है, ये तीन चीज़ें हैं। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ये तीन लिख के उसके बाद स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमने देखना है कि वजाइना और ओवरीज, इसके अंदर वो बता चुका है कि ब्लाइंड एंडिंग वजाइना है, ये किस में होती है, मलेरियन एजेनेसिस के अंदर होती है। इसके लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे पहले, नंबर सेकंड पे होता है क्रिएशन ऑफ वजाइना फॉर पेनिट्रेशन इंटरकोर्स, थर्ड पे यूट्रस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं लेकिन अभी तक हुई नहीं है, ये रिसर्च अंडर प्रोसेस है यूट्राइन ट्रांसप्लांट की। फोर्थ पे क्या कर सकते हैं कि ओवम रिट्रीवल करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, और सरोगेट मदर, ये सारे के सारे मैनेजमेंट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है, 48-year-old पैरा टू प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ साइक्लिक हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस फॉर 6 मंथ, यूट्रस इज नॉर्मल साइज एंड फॉलिसिस आर क्लियर, देर इज नो टेंडरनेस, अल्ट्रासाउंड स्कैन शो यूट्रस 7 into 4 cm, एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 20, नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी करवाएंगे, बायोप्सी लेंगे क्योंकि अल्ट्रासाउंड वो बता चुके हैं 20 mm है। MRI और CT स्कैन चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस करा सकते हैं हम, ताकि हम मेटास्टेसिस देख सकें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस, टोटल हिस्टेरेक्टोमी करवा सकते हैं विद बायलेटरल सर्पिंजोऑफरेक्टोमी, अगर सर्विक्स के अंदर है तो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, और अगर स्टेज 3 है तो मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी प्लस लिम्फेडेनेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 20-year-old प्रीमी ग्रेविडा एट 5 week प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ राइट लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग, वाइटल्स आर स्टेबल, ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एब्डोमिन इज टेंडर ऑन राइट साइड, ऑन अल्ट्रासाउंड स्कैन यूट्रस इज एम्प्टी एंड देयर इज अ राइट एडिनेक्सियल मास, देयर इज नो फ्री फ्लूइड, क्राइटेरिया नीड टू बी फुलफिल बिफोर वी डिसाइड ऑन मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। नहीं, ये क्राइटेरिया वाली चीज़ ना ये डिस्कस नहीं हुई हमने, इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, ये एक टॉपिक ही है ना, एक टॉपिक प्रेगनेंसी में। हम मेडिकल ट्रीटमेंट उस वक्त देते हैं जब हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो पेशेंट, मिनिमल सिम्टम हो, एडिनेक्सल मास लेस देन 400 mm हो, और HCG लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट हो, फीटल हार्ट साउंड ना हो, और पेशेंट फॉलोअप के लिए आ सकता हो तो मेडिकल ही देंगे। जैसे ये वाला पेशेंट है, ये हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट हो तो फिर हम सर्जिकल इमरजेंसी करते हैं, सेल्फ इंजेक्टमी और सेल्फ इंजास्टमी। ठीक है, HCG लेवल लेस देन 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। अच्छा, फॉलोअप में क्या कराते हैं, फॉलोअप में ना हमने बीटा HCG लेवल्स कराने होते हैं day 4, 7 or 11 पे, देन वीकली। CBC करा सकते हैं, LFTs करा सकते हैं और RFTs करा सकते हैं, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट जो होता है उसके साइड इफेक्ट्स आने लग जाते हैं।
ये क्राइटेरिया ना मैं आप लोगों को लिख के ग्रुप में भेज दूंगी या पेज नंबर बता दूंगी, 10 DJ में है। PDF आप लोगों को शो हो रहे हैं? ठीक है, अब शो हो रहा है PDF। पता नहीं वो क्या हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 39-year-old woman para 2 present with the complaint of post-coital bleeding for 2 months. On examination, there is a 2 cm size lesion on the cervix, no extension beyond the cervix and no involvement of vagina. Staging बतानी है और management बतानी है। Staging अच्छा, ये हमारे पास है स्टेज 1। 1 के भी आगे जाएं तो 1B1 है, क्योंकि लेस देन
4 सेंटीमीटर होता था, B1 कहते हैं उसको, ये 2 सेंटीमीटर है, अब वजाइना में है, वजाइना में इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ सर्विक्स में है, सॉरी। तो इसको स्टेज 1 B1 कहते हैं हम। मैनेजमेंट क्या करते हैं हम, रेडिकल हिस्टरेक्टमी एंड बायलेटरल पेल्विक नोड डाइसेक्शन करते हैं, जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30-year-old पैरा टू प्रीवियस SVD एंड लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं, LBC है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। 8-year-old प्रेजेंटेड विद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी फॉर 6 मंथ्स, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर बट देयर इज ए हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लॉस। She gave previous history of having fibroid uterus but no record available. On abdominal examination there is a 12 week size uterus, firm in consistency and smooth surfaces and mobile. On pelvic examination uterus is 12 to 14 week size and introverted and mobile. There is no tenderness. Conservative options kya hai? Agar hum keh rahe hain pressure symptoms ko ke liye. ठीक है, हाँ ये हो भी क्या था वैसे, प्रेशर सिम्टम्स हो ना, प्रेशर सिम्टम्स के लिए भी हमने क्या करना है, GnRH देना है इसको एगोनिस्ट, ताकि साइज जब डिक्रीज हो जाएगा ना तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सिम्टम्स की, और सर्जिकल मैनेजमेंट वही है जो बता चुकी हूँ पहले। थ्री का बी पार्ट रिपीट कर रही हूँ, देख लें। बीटा HCG लेवल होते हैं मेनली, जिस पे हम फॉलोअप कराते हैं, बीटा HCG लेवल एट day 4, 7 and 11, और उसके बाद वीकली करवाते हैं। CBC करवा सकते हैं और हम LFTs करा सकते हैं और RFTs करा सकते हैं, क्योंकि जो मेथोट्रेक्स रेट होती है वो अगर पहले लिवर डिजीज़ या रीनल डिजीज़ हो तो उसको ज़्यादा ख़राब कर देती है, इसलिए जिनको लिवर डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हो या हेमाटोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज कोई ऐसा चीज़ है तो उनको मेथोट्रेक्सेट नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 28-year-old वुमेन पैरा 1 प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, डिस्पेरोनिया एंड इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देयर इज लोअर एब्डोमिन टेंडरनेस एंड पेल्विक एग्जाम देयर इज ए सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, प्रोविजनल डायग्नोसिस। ठीक है, ये PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। मैनेजमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर, आप पहले तो वही लिख दोगे ना, इन्वेस्टिगेशन CBC, WBC, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और लेप्रोस्कोपी करवा सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन इसमें है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों में से एक चीज, साथ मेट्रोनिडाजोल और थर्ड जनरेशन से फेलोस्पोरिन। जो पार्टनर है उसको एजिथ्रोमाइसिन देनी है, अगर एप्सिस बन चुकी है तो उसको ड्रेन करना है, वैसे इसको PID है अभी, एप्सिस नहीं बनी। ठीक है, मैक्रोलाइड्स या टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों में से एक चीज़, साथ मेट्रोनिडाजोल और थर्ड जनरेशन से फेलोस्पोरिन, तीन चीज़ों का देना है इकट्ठे जिसको हुई है PID, और उसका जो पार्टनर है उसको एजिथ्रोमाइसिन देनी है आपने, सिंगल डोज होती है एजिथ्रोमाइसिन की। 50-year-old वुमेन इज डायग्नोज विद द कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया विद एटीपिया ऑफ एंडोमेट्रियम एंड टोटल एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी विद बाइलेटरल सिंपिंजा ओवरेक्टमी। 3 main steps ऑफ एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी एंड बाइलेटरल सिंपिंजा ओवरेक्टमी। मैं बता देती हूँ, स्टिक 3 स्टेप जो होते हैं ना, इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हम करते हैं एब्डोमिनल हिस्टरेक्टमी,
एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के लिए हम दो तरह के एनसीएम दे सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर के सब अम्बिलिकल मिडलाइन एनसीएम दे सकते हैं या ट्रांसवर्स लोअर एब्डोमिनल एनसीएम से कर सकते हैं। हमने करनी है पूरी पूरी, यूट्रस को निकाल दिया, हिस्टेरेक्टमी होगी। सेकेंड पार्ट के अंदर सेल्पिंजियो दोनों ट्यूब्स को निकालते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को, और एंड पे क्या करते हैं, ओवरेक्टमी, दोनों ओवरीज को निकालते हैं। ये थ्री स्टेप्स हैं मैनेज इसके ऑपरेशन के, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूरेटर और कैसे डैमेज होगा, वही वाली बात है, या तो यूरेटर की ब्लड सप्लाई चली जाएगी या तो वैसे ही हिस्टेरेक्टमी में जो है ना वो कट सकता है। ये देखो जो नाम है ना, जैसे है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर यही होता है कि हम एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी कर रहे हैं। दो तरह के एनसीएम होते हैं, सब एम्बिलिकल मिडलाइन या तो ट्रांसवर्स। फिर करते हैं हम फेलोपियन ट्यूब्स को रिमूव, जिसको सेल्पिंजियो कह दिया, और ओवरेक्टमी जिसके अंदर ओवरीज को निकाल रहे हैं। ये तीन स्टेप हो गए, नाम के अंदर ही स्टेप्स हैं, ऐसे ही इसको याद करो। सर्विक्स के लेवल पे या तो वॉल्ट ऑफ वजाइना के पास, इन दो जगह पे यूरेटर क्लोज रिलेशन के साथ होते हैं, तो वो हिस्टेरेक्टमी में कट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, 28 ईयर ओल्ड, पी नॉट प्लस 0, इज मैरिड फॉर द पास्ट 5 ईयर, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर एंड नॉर्मल पेल्विक स्कैन सीमेन एनालिसिस ऑफ हर हस्बैंड इज नॉर्मल, सजेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू एवेलुएट ट्यूबल स्टेटस। ये बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये वाला है कि अगर व्हाट इज द ट्रीटमेंट इफ द ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, ट्यूब ब्लॉक है तो क्या करते हैं हम, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है। इसके अंदर हम IVF करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर उससे भी ना हो तो फिर डोनर एग, फिर हम कहते हैं कि एग्स में मसला है तो डोनर एग लेते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखो, काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9, 22 ईयर P1 हैड ए बेबी 6 वीक बैक बाय SVD, शी इज़ नाउ ब्रेस्ट फीडिंग ए हर बेबी एंड वॉन्ट्स कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, सुइटेबल कौन सी है कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होती है ना, ये हम ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी नहीं है जो चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग के साथ इस्तेमाल की जा सके। थ्री रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बताना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पे कोई इफेक्ट नहीं होगा POPs का, मतलब उसकी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन का कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव। ये चीज़ एक आप लिख सकते हैं, दूसरा कि इसके इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, तीसरा मदर के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, और चौथी एक चीज़ है कि मूड स्विंग्स और डिप्रेशन वाली चीज़ भी इनके साथ POPs के साथ नहीं आती, ये भी चीज़ लिख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 58 ईयर ओल्ड पोस्ट मेनोपॉजल वेमन P6A2 ऑल होम डिलीवरीज कंडक्टेड बाय ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, क्रॉनिक एस्थमेटिक है, केम विद द कंप्लेंट कमिंग आउट ऑफ द वजाइना समथिंग फॉर लास्ट 7 ईयर्स, ऑन एग्जामिनेशन शी हैज सेकेंड डिग्री यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स, खुद ही उसने बता दिया, रिस्क फैक्टर बता चुकी हूँ, ट्रीटमेंट भी डिस्कस हो चुका है।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गए हैं। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, कुछ समझ नहीं आया तो। अच्छा, जो वो है ना फेलियर रेट वाला, उसका मैं टेबल भेज दूँ कि मुझे कंफर्म नहीं पता अभी कि क्या क्या है, कितनी परसेंटेज है, वो आपको भेज दूँगी मैं ग्रुप में।